guys, welcome to Wings Ek Udaan. How are you? Must be fine. Yes. My name is Princy Jain Bansal. I will be taking your English. आप लोग अपने बैंक पीओ के लिए और जेके बैंक एग्जाम के लिए आगे आने वाले क्लास फोर एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें इंग्लिश का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है. 30 मार्क्स की इसकी वेटेज है फॉर बैंकिंग एंड जेएनके बैंक के लिए, और क्लास फोर के एग्जामिनेशन में भी ये आपको काम आएगा. तो चलिए मैं आपको थोड़ा आज सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपका करिकुलम बता देती हूँ कि क्या क्या है ये सब चीज़ें एंड हाउ यू गाइस हैव टू डू इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. एंड यस, रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स, गुड इंपॉर्टेंट मार्क्स विद गुड वेटेज. तो इफ यू गो बाय स्टेप, कोई अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सब अच्छे से मैं करवाऊंगी, तो ये 30 मार्क्स ये कहीं नहीं जाएंगे, इट इज़ इन योर पॉकेट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हैव अ लुक. थोड़ा ब्रीफ आपको आपका सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ. कम ओके, तो पहला आपका टॉपिक है जो हमने कवर करना है, क्लोज टेस्ट. क्या है ये क्लोज टेस्ट? इट इज अ पैराग्राफ. आपको एक पैराग्राफ आएगा विथ 4 to 5 ब्लैंक्स इन इट. 4 to 5 सेंटेंसेज होंगे और हर एक सेंटेंस में एक एक ब्लैंक होगा इन अ पैराग्राफ शेप. इट कुड बी अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रियलिटी पैराग्राफ और इवन अ स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ आ सकता है. हर एक ब्लैंक के आपके 4 to 5 ऑप्शंस होंगे और उनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, अब ऑप्शंस जो होंगे मोस्टली वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो हमें लगता है कि कोई भी वी गेट कन्फ्यूज्ड कि इनमें से कोई भी एक डाल देंगे तो ऑलमोस्ट सेम आंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं, आंसर तो कोई एक ही होता है, ऑप्शन इज ओनली वन. तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए बिना कुछ बेसिक नॉलेज के हम सीधा, वो कहते हैं ना, तुक्का लगा के आंसर नहीं लिख सकते. सो वी हैव द ग्राउंड नॉलेज ऑफ टेंसेस, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन. गाइस, ये तीन टॉपिक्स में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू मस्ट बी हैविंग अ गुड कंट्रोल, अ गुड सॉलिड ग्राउंड. यू कैन से दैट योर बेसिक्स मस्ट बी वेरी क्लियर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस एंटायर सिलेबस एंड ग्रैब दैट 30 मार्क्स. तो इसके लिए आपको टेंसेस की नॉलेज, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस ज़रूरी हैं. इट्स ओके अगर आपको लग रहा है कि कई यू माइट बी हैविंग गुड कमांड ऑन ऑल दिस टेंसेज, प्रेपोजिशंस, और कईयों की इतनी अच्छी नहीं भी होगी. डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग फ्रॉम द बेसिक. मैं ग्राउंड जीरो से आपको स्टार्ट कराऊंगी. पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं. सेकेंड आ गया फिल इन द ब्लैंक्स. ये क्या होता है? ये इसी का ही छोटा भाई है. क्लोज टेस्ट में आपको पैराग्राफ था और इसमें देयर विल बी अ सिंगल स्टेटमेंट, अ सिंगल लाइन विद वन फिलअप, टू फिलअप, जिसको हम फिलर्स भी कहते हैं. 1, 2, 3 कितने भी फिलर्स हो सकते हैं. ऑप्शंस गिवन होते हैं, आंसर्स आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो उसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको फिल इन करना होता है. अगेन बिना नॉलेज ऑफ यस टेंसेस, बिना नॉलेज ऑफ कंजंक्शंस, बिना नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप ये चीज नहीं कर पाओगे. आपको ये करने के लिए आपको इन सब में यू हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल दिस, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज पैरा जंबल्स. वॉट इज दिस? इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ को उन्होंने तोड़ा होता है और उसी की लाइन्स को आगे पीछे करके लिखा होता है. तो हमने वी हैव टू अरेंज दोज लाइन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस सो इट गेट अ फुल फ्लेज मीनिंगफुल पैसेज. यस, इसमें क्या रहता है, देर विल बी एन ऑप्शन ए बी सी डी, तो आगे पीछे होंगे, तो इसको हम रीअरेंजमेंट की तरह भी देख सकते हैं. इट इज काइंड ऑफ अ रीअरेंजमेंट, बट रीअरेंजमेंट में सेंटेंसेस की जगह हमको पैराग्राफ्स को अरेंज करके लिखना होता है. तो नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स, बट नॉट टू वरी. मैं आपको जब ये लूँगी टॉपिक तो ऐसे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे जो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज होता है, इसमें से आपको पैसेज दिए होते हैं और आपको नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, एंड यू हैव टू मेक द आंसर, यू हैव टू टेक आउट द आंसर्स फ्रॉम दैट पैसेज ओनली. अपने इधर उधर नहीं, सिर्फ पैसेज के बीच में से ही आंसर्स मिलते हैं. तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, बट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे विद इन
सेकेंड्स, यस विद इन सेकेंड्स आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं. तो जब मैं इस टॉपिक पर आऊँगी, सो आई विल बी टेकिंग ऑल दिस टुगेदर, सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. आप वाक्य में कहोगे कि इतना हमें लगता था टाइम कंज्यूमिंग, बट बिल्कुल नहीं रहेगा. चलिए नेक्स्ट, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, वॉट इज दिस? इसमें क्या होता है, एक आपको पैराग्राफ पूरा मेंशन करा होता है और उसके जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम द लास्ट लाइन इज नॉट देयर. तो लास्ट लाइन यू हैव टू फाइंड इट आउट विद इन गिवन ऑप्शंस. इट कुड बी अ समरी, इट कुड बी एनीथिंग. तो आपको इसके लिए पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ता है और पैराग्राफ पढ़ने के लिए आपको टाइम इतना लेंथ नहीं, वो उसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आपको मैं व्हेन आई कम टू दिस आई विल आल्सो टेल यू कि ये कैसे फटाफट चुटकियों में हम कर सकते हैं. बिकॉज टेकिंग एन एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन, द मेन थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज इफ यू यू नो वेस्ट योर सो मच ऑफ टाइम इन रीडिंग द पैराग्राफ और रीडिंग द पैसेज फॉर द कॉम्प्रीहेंशन, तो बाकी टॉपिक्स करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा. तो इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली ये कैसे करने हैं, वो टिप्स, वो ट्रिक्स, इन सब के आई विल बी गिविंग यू. नेक्स्ट इज सेंटेंस कॉम्प्लीशन. वॉट इज दिस? इट इज kind of a मतलब like para completion. In this a sentence is given and the rest of the sentence you have to complete. उसमें आपको एक appropriate कोई word fit करना होता है, कोई vocabulary का कुछ word new add करना होता है, या आपको इसमें कोई idiom fill करना होता है. It is mostly based on the logical thinking, आपकी logical thinking, because जो options होंगे ना दे आर को रिलेटेड, वो हमें सभी सेम हो गए. आपको लगेगा ऑप्शन ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी फिट हो सकता है, डी एंड ई, बट आंसर कुड बी ओनली वन. सो आई विल टेल यू, आई विल हेल्प यू गाइज हाउ टू डू दिस, हाउ टू सॉल्व दिस. आई एम हेयर, मैं आपको सारा ये अच्छे से करवा दूंगी. ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर वी हैव एरर स्पॉटिंग. इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है. बच्चे क्या करते हैं, उनको दे जस्ट डू इट ओवर. मोस्टली नंबर भी इसी में कम होते हैं. एंड दिस इज, ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द टॉपिक्स. इसको करने के लिए यू ऑल हैव टू गेट द फुल फ्लेज नॉलेज ऑफ अगेन टेंसेस, योर ग्राउंड्स मस्ट बी सॉलिड एट कंजंक्शन, प्रेपोजिशन. अगर आपको पता होगा, इफ़ यू गाइस नो कि ऑन कहाँ लगेगा, ओवर कहाँ आता है, जहाँ इन आता है वहाँ इनटू नहीं आता है, जहाँ बिलो आता है वहाँ पर अबव नहीं आ सकता है, वहाँ पर बीनीथ नहीं आ सकता है. तो ये चीज़ों की इफ़ यू हैव द नॉलेज ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट. एंड सीरियसली आई विल बी टेलिंग यू इन माई अपकमिंग वीडियोज, आई विल बी टेकिंग एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट यू ग्राउंडेड मस्ट बी स्ट्रांग. एंड वन मोर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. All right. तो ये सब चीजें अगर होगी तो आप ये, इट इज अ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू, पीस ऑफ अ केक. यस, आई विल बी कमिंग टू दैट. व्हाट इज दैट? आई विल टेल यू लेटर ऑन. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू मिसलिनियस. व्हाट इज दिस? मिसलिनियस टॉपिक में क्या होता है, दीज आर जनरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. अगेन आपको एक लाइन दी होती है और उसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जिसको आपको रिप्लेस करना होता है. नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें भी यू हैव द नॉलेज ऑफ, तभी कर पाओगे अगर यस टेंसेस की नॉलेज होगी. वेरी नाइस, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशंस, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंजंक्शंस एंड ऑल दैट बेसिक्स ऑफ ग्रामर. सी, जो इंग्लिश ग्रामर होती है ना, इसका ये दिस 30 मार्क्स कैन बी योर्स, फुल 30, एक भी नंबर कम नहीं हो सकता. ओनली If you have a solid base of grammar, yes, जो वही base चीज़ें वही हैं that we guys have done in our schooling, like conjunctions, like tenses, like subject verb agreement, like nouns, things are only that. But ये हो गया कि हम भूल जाते हैं time के साथ साथ. तो don't worry, I'll be taking everything. I will be starting from zero. मैं आपका base से start करूँगी ताकि आप ये सब चीज़ें अच्छे से कर लो. Okay, now next is vocabulary. What is vocabulary? Yes. बिल्कुल सही, रिप्लेसिंग योर ओल्ड वर्ड्स विद द न्यू वंस. क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हम न्यू ले आते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले हम बोलते थे कि आई लिव इन जम्मू, ऑलराइट? तो अब हम लिव वर्ड को हमने अगर रिप्लेस करना चाहें तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. आई रिसाइड,
हम उसके लिए कर सकते हैं आई ड्वेल, हम उसके लिए कर सकते हैं आई कॉन्ज्यूर. ये जो वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ ये वोकैबुलरी है, मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड वर्ड विद अ न्यू वन. तो दिस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग. एक रात में अगर आपको कि आप यू नो 500,000 वर्ड्स लर्न कर लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट इवन फॉर मी. सो हाउ यू विल बिल्ड योर वोकैबुलरी, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी. मेरे हर लेक्चर में मैं आपको 5 न्यू वोकैबुलरी एंड 5 न्यू इडमिनेंट फ्रेजेस के वर्ड्स दूंगी, जो आपको अपने एक सेपरेट कॉलम में लिखने हैं और उसको लर्न नहीं करना होता. जैसे आप उसको रीड करते जाओगे, उस पर सेंटेंसेस फ्रेम करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगे. तो बाय द एंड ऑफ यू नो आपके कोर्स, जैसे आपकी तैयारी प्रिपरेशन डेज के एंड में, सो यू हैव अ फुल फ्लेज्ड डिक्शनरी इन योर माइंड. सो आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज इन ऑल डूइंग ऑल दिस. नेक्स्ट इज इडमिन एंड फ्रेजेस. What is this? आपको याद है जब मैं ये समझा रही थी, मैंने बोला था पीस ऑफ अ केक. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे केक का पीस खाना है. नो, इट मीन्स वेरी इजी जॉब, वेरी इजी वर्क. सो ये जो मैंने बोला गेटिंग ऑल दिस सब्जेक्ट डन, दिस ऑल दिस टॉपिक डन इज अ पीस ऑफ अ केक फॉर मी. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब पे कोई पीस ऑफ केक है. इट मीन्स कि ये सारा सिलेबस करना मेरे लिए बहुत ईजी है. ओके, टॉकिंग इन इंग्लिश या डूइंग दिस वर्क इज अ कप ऑफ टी फॉर मी. इसका इट डजेंट मीन दैट आई वॉन्ट टी. इट मीन्स सी इट मीन्स आर वॉट इट मीन्स आर द वर्ड दैट डू नॉट हैव द लिटरल मीनिंग. इनका कोई खुद वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, बट वेन पुट इन टू द सेंटेंस दे ब्रिंग्स लाइफ टू द सेंटेंस, दे ब्रिंग कलर टू द सेंटेंस. सो गेटिंग ऑल द स्टफ डन इज अ कप ऑफ टी फॉर मी. यानी कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत ईजी है. तो ये जो मैंने भी वर्ड्स यूज करे इट कम्स अंडर इडमिन एंड फ्रेजेस. ये बहुत पूछे जाते हैं when you are going to take any examination, let it be bank ka ho, PO ka ho, kisi bhi competitive exams ka hoga, to idiom vocabulary phrases inka bahut zyada use hota hai. You have to get the knowledge of full idiom and phrases and vocabulary so that you can crack any of the paper. Don't worry, I'll be here to take all this. Okay, clear ho gaya idiom bhi. तो नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल मीनिंग. ओके, नाउ मल्टीपल मीनिंग इट इज अगेन वोकैबुलरी और इडमिन के साथ ही होता है. यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन, एक वर्ड दिया होगा, उसके नीचे ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी ई. उनमें से कोई एक ही ऑप्शन को आपको रिप्लेस करना है, आपको मीनिंग बताना है कि उसका मीनिंग क्या है. वो तभी आ पाएगा इफ़ यू हैव द full knowledge of the vocabulary, if you have good vocabulary with you, not the knowledge, if you have good solid vocab with you, आपको पता है, only then you will be able to do the multiple meaning. So, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में related है. Okay, next is active and passive voice. Very important topic, guys. ये voices होती हैं, अब ये आवाज़ नहीं होती है. एक sentence को लिखने के दो तरीके होते हैं और दोनों ही सही होते हैं. एक होती active voice, एक होती है पैसिव वॉइस. ये भी आपको तभी आएगा गाइस अगर आपको टेंसेस आएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू. गॉट इट? यस, बट यू डोंट यू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. मैं इसीलिए यहां पर हूं. आई विल बी टेकिंग इंटायर एंड मेकिंग योर बेसिक्स वेरी 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 क्लियर. ओके, नेक्स्ट मैच. व्हाट इज दिस मैच? कॉलम बना होता है यहां पर ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी. आपको दोनों सेंटेंसेस के रिलेशन को फाइंड करना होता है. ए साइड और बी साइड के सेंटेंसेस में कुछ एक रिलेशन होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. उसका हाफ पार्ट एक तरफ लिखा होता है, हाफ इज रिटन ऑन द अदर साइड. यू गाइस हैव टू जॉइन इट एंड मेक इट अ कंप्लीट मीनिंगफुल ऑप्शंस. और नीचे ऑप्शंस ही होते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको टिक लगाना होता है. ठीक है, वो बचपन में जैसे हम करते थे ना, ऐसे लाइन लगा के मैच कर दिया, इस तरीके से हम करते थे, मैच कर दिया उसको. इसका ऑप्शन ये ए है तो यहाँ सी है, यहाँ बी है तो यहाँ ए है, तो इसको मैच कर दिया. ऐसा ही होता है सिमिलरली. ओके, नेक्स्ट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. व्हाट इज दिस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट? क्या होता है? एक सेंटेंस दिया होता है, उसके बीच के कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करा होता है. उन वर्ड्स को आपने रिप्लेस करना होता है नीचे दिए गए ऑप्शंस के साथ.
वो भी तभी होगा इफ यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ टेंसेस, यू हैव गुड वोकैब, यू हैव गुड इडमेन, तो ये तभी मुमकिन है. गॉट इट गाइस? मैंने आपको आपका पूरा सिलेबस ऑल 14 टॉपिक्स समझा दिए हैं. ये पूरा सिलेबस आपको आपके आने वाले जेके बैंक पीओ बैंक पीओ के जो एग्जामिनेशन हैं या जो क्लास 4 के एग्जामिनेशन हैं उन सब में आपको बहुत मदद करेगा. पीओ और जेएनके बैंक के एग्जामिनेशन के लिए 30 मार्क्स हैं, तो 30 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते. इट इज़ अ गुड वेटेज दैट यू गाइज हैव टू पुट इट इन योर पॉकेट. यू गाइज हैव टू टेक देम, ग्रैब दोज मार्क्स, एंड ओनली यू कैन ग्रैब इट इफ़ यू हैव द फुल फ्लेज नॉलेज एंड यू आर अवेयर ऑफ द टॉपिक्स. आपको टॉपिक समझ आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. अच्छा, एक चीज़, अब हमने ये सारी चीज़ें देखी. वॉट इज़ कॉमन इन दिस? इन सब में कॉमन क्या है? किस चीज़ की नॉलेज कॉमन है? टेंसेज आने चाहिए भैया, आने चाहिए. यहाँ पर भी टेंसेस चाहिए फिलर्स करने के लिए, उसके बगैर तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, एरर स्पॉटिंग, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टेंसेस अगेन रिक्वायर्ड. मिसलिनियस के लिए भी क्या चाहिए? टेंसेस अगेन रिक्वायर्ड. वॉइसेस के लिए क्या चाहिए? टेंसेस अगेन रिक्वायर्ड. सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी क्या चाहिए? टेंसेस. सो इन शॉर्ट, You have to get the full knowledge and you have to get your basics very, very clear. That is tenses. अगर आपके tenses मजबूत हैं, आपको पता है present क्या है, past क्या है, has कहाँ आएगा, had कहाँ आएगा, is कहाँ, was कहाँ, have been कहाँ, only then you will be able to do all this. And within seconds you will be able to solve the topics. Within minutes you will be covering up all your English column in your examination. I'm sure of it. और ये tenses मैं आपके करवाऊंगी. Yes, I'll be taking your tenses first. मैं चाहूँ तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा के आपको करवा दूँ. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट फिलप्स, लेट्स स्टार्ट पैराजाम्बल. लेकिन जब तक आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे आपको क्या समझ आएगा? Nothing. So before moving ahead, before choosing any one of these topics and getting started, I'll be taking your tenses first. So आप इसे बहुत लोगों को tenses आते भी होंगे. Good for you. And many of you might not be having any knowledge. कोई बात नहीं. अब मैं आपको करवाऊंगी. जिनको आते हैं उनके लिए एक recap हो जाएगा, उनका एक brush up हो जाएगा tenses का, और जिनको नहीं आते उनके हो जाएंगे. So in my next lecture, in my next video, इन सब topics से हट के सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? Tenses. And guys, one more thing, let me be very frank with you. मैं आपको वो book वाला tense तो समझाऊंगी नहीं जैसे book में लिखा होता है, वो कभी मैंने भी नहीं करा. मेरे पास बहुत आसान tips, tricks, ऐसे कुछ rules हैं जो मेरे बनाए हुए हैं. हो सकता है बुक वाले शायद उसे गलत भी बोलते हो, बट मुझे क्या है, उसको करने से मेरा अगर आंसर निकलता है तो भाई क्यों नहीं करें. सो आई हैव माय ओन टिप्स, ओन ट्रिक्स दैट आई विल बी टेलिंग यू, जिससे आपके टेंसेस हमेशा के लिए इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप और लोगों को आगे टेंसेस सिखाएंगे. दिस इज आई एम श्योर, ये चीज़ मैं आपको गारंटी देके कहती हूँ. तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें टेंसेस बहुत सिंपल तरीके से आपको कहे, अरे मैम ये इतना ईजी था तो हमें पहले ही करवा देते. सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी पूछना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो आपकी मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सारी क्वेरीज को मैं टेक करूँ. सो फॉर नाउ थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग द टेंसेस. गुड बाय गाइज़.